वो कैसोमियर का अरेंजमेंट कैसा है वायरसेस का, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सोम इन द वायरस, टू प्राइमरी शेप ऑफ वायरस, जो प्राइमरी शेप्स हैं वायरस को, तो देखा जाए तो वैसे रॉड एंड स्फेरिकल है, जो कि आइकोसाहेड्रल वाला जो शेप है, बिकॉज इट जो हेड है, पॉलीहेड्रल हेड है, वो इट इज कवर्ड विद एनवेलप एंड नॉन एनवेलप वायरसेस. ठीक है, रॉड शेप वायरस में हम हेलिकल वायरस के करते हैं, द स्फेरिकल वायरसेस आर द आइकोसाहेड्रन, जैसे मैंने आपको बात की. तो बेसिकली टू प्राइमरी शेप है, कॉम्प्लेक्स वायरसेस आर डिफरेंट. कॉम्प्लेक्स वायरस तो वही हो जाएगा जिसमें कि स्फेरिकल आइकोसाहेड्रल शेप भी है और हेलिकल शेप, दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स शेप बनाते. तो वैसे सिमेट्री के बेस पे देखा जाए तो जो सिमेट्री के बेस पे क्लासिफिकेशन जो वायरस का किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर इन द वायरसेस कैसा है. ठीक है, जिस तरह से कैप्सोमियर अरेंज रहेंगे वायरस वैसा ही करेगा. तो बेसिकली दो प्राइमरी शेप, वैसे तो तीन, दे आर द थ्री शेप्स ऑफ वायरस, लाइक कॉम्प्लेक्स शेप, स्फेरिकल शेप दैट इज कॉल्ड एज आइकोसाहेड्रल, एंड द रॉड शेप वायरस दैट इज आल्सो नोन एज अ हेलिकल वायरस. बट कॉम्प्लेक्स शेप जो बनता है वो मिलके बनता है स्फेरिकल और रॉड शेप से मिलके, लाइक कुछ लाइक बैक्टेरियोफेज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स वायरस, इट इज आइकोसाहेड्रल हेड एंड टेल इज अ रॉड शेप. तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रॉड एंड द स्फेरिकल. इज इट ओके? यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, दिस इज अ क्यूबिक सिमेट्री, टू पोल, थ्री पोल, फाइव पोल. जैसे मैंने आपको बताया कि जो आइकोसाहेड्रल वायरसेस है उसकी सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री डिफरेंट हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, आइकोसाहेड्रल हो सकता है. तो हेड्रल की जो सिमेट्री है, जो फेसेस है, क्यूबिक के जो फेसेस आते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट वायरसेस के. द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी डिफरेंट, द पॉलीहेड्रल शेप इज डिफरेंट, तो जो हेड्रल शेप है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, दिस इज अ हेलिकल वायरस. एग्जाम्पल टोबेकोमोजिक वायरस इज अ परफेक्ट हेलिकल शेप वायरस, तो विच इज द हेलो इनसाइड, एंड द इनसाइड द शेप इज हेलो, एंड द आउटसाइड द कैप्सोमियर यूनिट्स आर अरेंज. ठीक है, तो एग्जाम्पल इज द टोबेकोमोजिक वायरस. These are the some example. It is a image of electron microscopy. Influenza virus, rabies virus. These are the helical viruses, helical symmetry. If you see the rabies virus, rhabdo virus, आप देख रहे होंगे इसमें एकदम bullet shaped है उसका. Rabies virus को actually bullet shaped virus भी बोलते हैं. पता है? It is also known as a bullet shaped virus. ठीक है, तो दिस इज अ इन्फ्लुएंजा वायरस. तो इसकी थोड़ी सी स्फेरिकल है, अगर आप हल्का सा स्फेरिकल भी दिखेगा आपको इन्फ्लुएंजा का, अगर आप देखेंगे तो. द रेबिस वायरस इज ऑल्सो द हेलिकल वायरस, तो इट इज अ रैपडो शेप इन द बुलेट शेप स्ट्रक्चर. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वायरस, अ पोक्स वायरस. नाउ वी कम टू द मेन क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय द बाल्टीमोर. एंड द बाल्टीमोर गिवन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द वायरस, है ना. न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो वायरस में, उस बेसिस पे बाल्टीमोर ने क्लासिफाई किया गया. क्लासिफाई एंड सेवन क्लासिफिकेशन जो हमने शुरू भी स्लाइड में शायद मैंने दिखा दिए थे आपको, कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे क्लासिफाई द वायरसेस. ठीक है, द डिविजन ऑफ द वायरसेस इज बेस्ड ऑन द जीनोम टाइप एंड मोड ऑफ रेप्लीकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन, है ना. किस टाइप का मोड ऑफ रेप्लीकेशन है और किस टाइप का ट्रांसक्रिप्शन है, उस बेस पे उन्होंने बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दिया. सजेस्टेड बाय द डेविड बाल्टीमोर, मेजर ग्रुप्स ऑफ वायरसेस आर डिस्टिंग्विश्ड फर्स्ट बाय देयर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, दैट इज आइदर अ डीएनए और आरएनए. When they are classified on the basis of their nucleic acid content, and how this nucleic acid will multi, how this multiply RNA से कैसे DNA से कैसे RNA बन रहा है, mRNA बन रहा है, and how the proteins are synthesized, how they are replicated and how they are translated. ठीक है, on the basis of that Baltimore classified seven classes, they classify seven type of classification. ठीक है, RNA DNA virus can be single stranded or double stranded, जैसा कि the Baltimore ने बताया. तो on the basis of the न्यूक्लिक एसिड जीनोम बाल्टीमोर गिव द क्लासिफिकेशन. अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करें, क्लास फर्स्ट था डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस. ठीक है, द क्लास फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया गया वो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, क्लास सिक्स एंड क्लास सेकेंड सेवन तक उसने क्लासिफाई किया गया वायरस को. क्लास वायरस में जो क्लास फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था
उसमें कौन से वायरस रखे गए? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस आर क्लासिफाइड इन द ग्रुप वन, है ना। ग्रुप वन में उन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को क्लासिफाई किया। द प्रोडक्शन ऑफ एमआरए इन अ जीनोम इन जीनोम रेप्लिकेशन इन सच वायरसेस ऑकर एज वुड बी द होस्ट जीनोम, ठीक है। जिस तरीके से होस्ट में होता है, इट इज अ नॉर्मल टाइप